अच्छा, सीरियल ये कि जिंदगी भी ना कमाल की होती है। एक्चुअली में ऐसी होना असल जिंदगी, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, मतलब टेक्निकली देखा जाए प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं ढेर सारी, क्योंकि सीरियल्स में आए दिन प्रॉब्लम होती है। लेकिन चलिए अभी फिलहाल ना लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड साइड। अब गहना की बात करते हैं। नौकरानी से ये बहुरानी बनी और बहुरानी से वकील बनी, ये सफर वाकई देखने लायक है। गहना ने घर छोड़ दिया, वो निकल पड़ी है सड़कों पर। ना अनंत जी को बताया, ना परिवार में किसी को बताया, बस वो तो सोच में डूबी हुई रास्ते पर निकल पड़ी और उसके सामने एक गाड़ी आने वाली थी, वो टकराने वाली थी। लेकिन राह चलती एक महिला ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसे बचा लिया। दूसरी ओर अनंत अपने काका के साथ मिलकर उसे ढूंढने निकला है, क्योंकि अनंत चाहता है कि उसकी गहना ना सिर्फ घर पर वापस आ जाए बल्कि वो वकील की पढ़ाई करके वकील भी बन जाए। और वो तो सास बहू और साजिश के लिए गहना की एक छोटी सी परीक्षा भी लेना चाहता है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि गहना बैरिस्टर बाबू बन सकती है, यानी कि वकील बन सकती है। तो देखिए, जैसे ही गहना मिल गई उसने शुरू कर दी परीक्षा। आप सब जानते हैं कि इस काले कोट को पाना आसान नहीं है, इसके लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, डिग्री पानी पड़ती है। पर गहना ने ऑलरेडी जो है अनंत का केस जीत लिया है, और आज हम एग्ज़ाम तो नहीं पर गहना का एक लॉ का टेस्ट ज़रूर लेंगे। हमें बताइए कि क्या ज़्यादा आसान है, शो में साथ निभाना साथिया में केस लड़ना, या फिर अभी ये जो हम लॉ का जीके का टेस्ट लेंगे वो? ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा और मैं ये करना चाहूँगी। तो बताइए, इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर का नाम? उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ लिखा है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। SP अंबेडकर, BR अंबेडकर, बी, अच्छा सर, सॉरी, BR अंबेडकर। हाँ, आपने बोल लिया अंबेडकर, ओके। लॉ के कोर्स को हम LLB बोलते हैं, तो LLB का फुल फॉर्म क्या है? LLB का फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। 5 इम्पोर्टेंट लॉज बताइए इंडिया के लिए, कोई भी एक्ट। 5 तो नहीं पता है मुझे, आप 3 बता दीजिए। ठीक है, नेशनल एजुकेशन राइट, नहीं, नेशनल एजुकेशन एक्ट राइट, डिफेंस, अच्छा नेशनल डिफेंस एजुकेशन एक्ट, और सिविल राइट राइट्स एक्ट, और वोटिंग राइट्स एक्ट। वाओ। सेक्शन कौन सा होता है जिसके तहत सजा होती है अगर कोई मर्डर करता है तो? सेक्शन 3 सुना है ऐसे, 3 दफा 320 302 3, अच्छा 302, अच्छा दफा 302 के तहत, अच्छा, आपको उम्र वो सजा मिलती है। मर्डर इज मर्डर के लिए सेक्शन कौन सा है? 302 कि जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, जिसे हम बोलते हैं कि यू नो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिए हैं, वो कौन से राइट्स होते हैं? राइट टू डैश वो, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, और राइट टू एजुकेशन, और राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये पहनना ही एक बहुत बड़ी बात है, मतलब इट्स नॉट ईजी टू वेयर ये कोट, पर बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि ये कोट मैंने पहना है। और अभी रियल में तो मैंने ये हासिल नहीं किया है, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी मैं ये हासिल कर लूँगी, क्योंकि गहना अनाथ थी, और अब क्योंकि जब गहना आगे पढ़ेगी लिखेगी और उसके पास यू नो खुद का एक ओहदा होगा, एक दर्जा होगा, खुद के पैसे होंगे, तो आई थिंक गहना अपने आप को इक्वल समझेगी सबसे।
मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।